ये तो आप सभी भी जानते ही हो कि आज का समय डिजिटल युग का है। फिर वो चाहे शॉपिंग करना हो, बिजनेस करना हो या फिर कुछ और, आज हम इन्हीं में से एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है ये तो शायद आप सभी भी जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है? अगर नहीं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। बदलते युग के साथ साथ मार्केट भी बदल रही है। अब चाहे जो भी मार्केट हो वो अपने बिजनेस को डिजिटल बनाता जा रहा है। अब ऐसे में आपको डिजिटल मार्केटिंग का पता नहीं तो आप आज के युग के हिसाब से पीछे रह जाओगे। लेकिन अभी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। बस वीडियो को अंत तक देखते रहे। आज के समय में वो दिन गए जब आप घर घर जाके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताते थे। इस प्रकार की स्ट्रेटेजी आज के दौर में चल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे में अपने प्रोडक्ट्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही बढ़िया उपाय है, जिससे बहुत ही कम समय में कंपनीज अपने टारगेटेड ग्राहकों के निकट पहुंच जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो हम ये पाएंगे कि विज्ञापनों का स्वरूप बहुत बदल सा गया, जहां लोग टेलीविजन विज्ञापन रेडियो और तमाम तरीकों को अमल में लाते थे, लेकिन ये शायद अब कारगर नहीं। ऐसा है क्यों ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में अगर आपको सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा तो वो है सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट। ऐसे में अगर आपको एक साथ लाखों लोगों तक अपने विज्ञापन को पहुंचाना है तो आपको पुराने फंडों को छोड़कर डिजिटल मार्केटिंग की ओर रुख करना होगा। डिजिटल मार्केटिंग दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ डिजिटल का मतलब इंटरनेट से है और मार्केटिंग का मतलब विज्ञापन से है। मेरा कहने का मतलब कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा करती है, जो कि ट्रेडिशनल तरीके से काफी अलग है। यहां डिजिटल मार्केटर्स को अलग अलग मार्केटिंग कंपनीज तैयार कर उसे किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल करने में एक्सपेरिमेंट करना होता है। इससे कंपनीज को ये पता चल जाता है कि मार्केट में कस्टमर्स किस प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और किसे नहीं। इन कंपनीज को ये भी देखना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट लोगों को ज्यादा पसंद है और कौन सा प्रोडक्ट नहीं। अब सवाल आता है कि कंपनीज कैसे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सभी लोगों को बताती हैं। तो मैं आपको बता दूं, कंपनीज अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को मोबाइल मैसेजेस, मोबाइल ऐप, पॉडकास्ट, इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स और रेडियो चैनल्स जैसे दूसरे डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करके बताती है। तो मेरा कहने का मतलब है कंपनीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ने के लिए डिजिटल बिजनेस में मुख्य रूप से गूगल सर्च, सोशल मीडिया, ईमेल और दूसरी वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब तो मार्केटिंग का सही मायने में ये ही ऑडियंस से सही समय में कनेक्ट करना ही इसका उचित मतलब होगा। अब हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना इतना जरूरी क्यों है। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जब सभी लोग टेक्स्ट मैसेज पर ही निर्भर थे और वे वही चीज देख पाते थे जिनके बारे में मार्केटर्स जानकारी देते थे। आजकल कंज्यूमर केवल कंपनीज की बात ही नहीं सुन रहे हैं, बल्कि वो खुद भी अच्छे और बुरे की पहचान कर रहे हैं और दूसरों से भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अभी मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के कुछ महत्वपूर्ण कोर्स के बारे में बताऊंगा। वे हैं SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटिव मार्केटिंग और भी कई मार्केटिंग कोर्स करके आप अच्छी जॉब पा सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस में भी कर सकते हैं। अब बात करें डिजिटल मार्केटिंग में करियर की, तो मैं आपको बता दूं डिजिटल मार्केटिंग किसी भी बिजनेस में और किसी भी इंडस्ट्री में काम करता है, फिर वो चाहे कंपनीज कुछ भी सेल कर रही हो। डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप अपने कंज्यूमर्स की जरूरत को समझ सकते हो और फाइनली उनकी जरूरत के हिसाब से ऑनलाइन कंटेंट तैयार कर सकते हो। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप सभी ने अच्छे से समझा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग को समझना इतना जरूरी क्यों है समझ गए होंगे। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग पर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि टेक्नोलॉजी से जुड़ी किसी भी अपडेट को आप मिस न कर दें। अगर टेक्नोलॉजी से जुड़ी और भी अपडेट्स देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि उस टॉपिक पर बहुत ही जल्द आपको एक नया अपडेट दूं। तो आज के लिए इतना ही,
मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।